धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। छात्र संघ चुनावों के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख निवेदन है कि विगत सरकार ने कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023-24 के छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक है। छात्र संघ चुनावों के संबंध में उक्त तर्क पूर्ण तरह औचित्यहीन है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। छात्र संघ चुनाव देश की राजनीति नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। आज राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर पर अधिकतम नेतृत्वकर्ता छात्र संघ राजनीति से निकले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं इसी राजनीति छात्र संघ राजनीति से आते हैं। मेरा संबंध भी छात्र राजनीति से रहा है और साथ ही साथ इस सदन में बड़ी संख्या में ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के मंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। छात्र संघ चुनाव में युवा राजनीतिक मूल्यों को सीखता है, युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है। जहां पहली बार जन सेवा की भावना अंगड़ाई लेती है, छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तंभ है जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाने की कृपा करावें। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में, राष्ट्र के लोक कल्याणकारी अवधारणा की सकारीकरण में सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।